नमस्ते बच्चों कक्षा छे विषय हिंदी इकाई छठा न्याय का आज हम करेंगे इस कहानी में आपको चातुर्य की बात की गई है एक मित्र यात्रा पर जाते वक्त अपनी सोना मोहरे अपने मित्र के यहाँ तेल के डिब्बे में छुपा के जाता है यात्रा से वापस आने पर उसे अपनी मोहरे नहीं मिलती वह काजी से फरियाद करता है अंत में हसन नाम का एक लड़का अपनी चातुराई से सच्चा न्याय करके अली ख्वाजा को मोहरे वापस दिलवाता है यह कहानी रोचक न्याय और बुद्धिमत्ता की एक झलक भी हमें देती है अदालत किसी भी झगड़े का निपटारा करते समय सबूतों पर ध्यान देती है सबूत न मिलने पर वह सही न्याय नहीं दे पाती ऐसे मामलों में सूझबूझ काम आती है इस कहानी में भी एक चतुर लड़का अपनी से एक व्यापारी को सही न्याय कैसे दिलाता है पुराने जमाने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था नाम था उसका अली ख्वाजा व्यापार करते करते जब उसके पास एक हजार सोने मोहरे इकट्ठी हो गई तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया क्योंकि अकेला रहता था। उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के रखने का निश्चय किया। यात्रा के खर्च के लिए उसने पांच सोना मोहरे अलग रख ली फिर एक घड़े में बची हुई मोहरों डालकर तेल तेल भर दिया अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर गया उसको अपनी यात्रा के बारे में बताया और कहा यह तेल का गड़ा मैं आपके घर रख कर जाना चाहता हूँ मक्का से लौट कर ले लूंगा वाजिद ने अपने तह खाने की चाबी उसे देते हुए कहा कि आप अपना गड़ा तह खाने में रख आइए और जब आप लौटे तो उस स्थान से ले लीजिएगा अली ख्वाजा घड़ा रख कर यात्रा के लिए निकल गया एक दिन वाजिद के घर दावत थी तरह तरह के पकवान बनाते हुए तेल खत्म हो गया रात का समय था वाजिद की बीवी अपना सिर खुजलाने लगे तभी उसे अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आई उसने वाजिद से कहा आप तहखाने में रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल लाइए इस समय बाजार तो बंद है कल सुबह बाजार से नया तेल लाकर घड़े में भर देंगे ख्वाजा आज की रात ही आकर तो तेल नहीं मांगेगा बीवी की बात सुनकर वाजिद तह तो खाने में गया जब घड़े की सील खोलकर तेल निकालने लगा तब घड़े में सिको की आवाज आई उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है इसलिए उसने दूसरे बर्तन इसलिए उसने दूसरे बर्तन में सारा तेल निकाल लिया उसने देखा कि घड़े में तो 500 सौ सोने मोहरे की थी उसने उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपा कर रख दिया और तेल लाकर बीवी को दे दिया अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लेकर घड़े में भर दिया उसे वैसे ही सील बंद कर दिया जैसे कि अली ख्वाजा ने किया था कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आए घर में अपना सामान रख कर वह सीधा वाजिद के घर गया और अपनी यात्रा की सारी बातें बताई फिर तेल का घड़ा लेकर वह वापस घर गया जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई वह सिर पकड़ कर बैठ गया क्योंकि घड़े में एक भी सोना मोहर मोहर नहीं थी वह सोचने लगा अब क्या किया जाए वह उल्टे पांव वाजिद के घर गया और अपनी मोहरे मांगने लगा वाजिद ने कहा कि सिलबंद तिल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहाँ पर आप रख कर गए थे मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया मैं कैसे मान लूं कि उसमें सोने की मोहरे थी दोनों मित्र में कहा सुनी होने लगी दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा, ख्वाजा से कहा कि आप काजी जी की अदालत में जाइए वह आपके झगड़े को मिटा सकता है। ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी, परंतु सबूतों के अभाव में उसे वहां से निराश लौटना पड़ा तब उसने बगदाद में खलीफा के यहाँ अपील की और न्याय मांगा खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली खलीफा ने सारे मामले के विचार करने के लिए कुछ समय चाहा। एक सप्ताह के बाद का समय सुनवाई के लिए दिया गया ख्वाजा और वाजिद का किस्सा अब प्रख्यात हो गया था खलीफा एक दिन अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे तभी उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा वह छिपकर उनके खेल देख रहे देखने लगे उन्होंने लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना है वह बड़ा समझदार है वह जिस तरह न्याय कर रहा है बिल्कुल है। बिल्कुल ठीक इसलिए उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा लड़के ने कहा मेरा नाम हसन है खलीफा ने कहा मैंने तुम्हारा खेल देखा तुम बहुत समझदार हो कल हमारे दरबार में आना अगले दिन खलीफा के दरबार में अली ख्वाजा वाजिद और हसन उपस्थित हुए खलीफा ने हसन से कहा कि तुम इन दोनों की झगड़े का किस्सा सुनो और बताओ कि इनमें से कौन सच बोल रहा है हसन ने दोनों की बात ध्यान से सुनी फिर उसने दो तेलियों को बुलवाया थोड़ी देर में दो तेली आ गए हसन ने उसे कहा आप इस घड़े के तेल की जांच कीजिए और बताइए इस घड़े में तेल कितना पुराना है दोनों ने बारी बारी से तेल को देखा सूंगा और चखा फिर अपना निर्णय दिया घड़े का तेल दो महीने पुराना लगता है इससे ज्यादा नहीं वे बोले तेलियों की बात सुनकर वाजिद तो घबरा गया अली ख्वाजा खुश होकर बोल पड़ा हुजूर मैं तो छ महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था तभी मैंने तेल खरीदा था तेलियों और अली ख्वाजा की बात सब सुनकर सबको वास्तविकता का ज्ञान हो गया खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया था खलीफा ने हसन को धन्यवाद किया और वाजिद से कहा कि अपने अली ख्वाजा के घड़े से तेल और मोहरे निकाली आप उन्हें वापिस कीजिए और चोर चोरी और विश्वासघात के अपराध की सजा भुगतिये खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया खलीफा के दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की पूरी पूरी प्रशंसा की तो चलो बच्चों यह इक्काई न्याय हमने आज अध्ययन किया आपको घर से होमवर्क में यहाँ इक्ई एक बार पढ़ना है और उसके शब्दार्थ एवं मुहावरे भी आपको अच्छी तरह से पढ़ने हैं होमवर्क में फिर से दो रात हूँ एक कई आपको एक बार पढ़ना है और उसके शब्दार्थ एवं मुहावरे भी आपको होमवर्क में अच्छी तरह से पढ़ने हैं ठीक है नमस्ते बच्चों